यार और नहीं रहना यार, कितना डर लग रहा है। चल 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 भाग के चल यार, मेरे को यहाँ से आवाज आई है यार। देख चमचम की आवाज आ रही है, चमचम की आवाज आ रही है। सो हाय गाइस, हमारे शिलाना न्यू व्लॉग के साथ। डूड आज का जो व्लॉग है वो है हर्ष का टीला। तो गाइस इस टाइम हम खड़े हर्ष के टीले के मेन गेट पर। यहाँ दो गेट और भी है, एक है शिक्षण मपरे का गेट और एक है बैक साइड गेट। तो मैं शिक्षण मपरे के बाद में बताऊंगा। तो गाइस इस टाइम हम हर्ष के टीले के अंदर हैं। तो मैं हर्ष के टीले के बारे में इतना इतिहास नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये अगर इतिहास बताता भी हूँ ना तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर सुबह से लेकर रात तक वीडियो देखेगी तो ये खत्म नहीं होगा। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट और कुछ अमेजिंग अमेजिंग प्लेस दिखा के बता दूंगा आपको डिटेल। तो मैं इतना बता दे दूं, जो ये टिल्ला है ना, ये 1400 साल पुराना टिल्ला है, जो कि हमारे हिंदू राजा धर्म के राजा जो हर्षवर्धन जी का ये टिल्ला है, तभी इनका नाम हर्ष का टिल्ला रखा गया था। तो गाइस ये अगर अब मैं दिखा सकता हूँ, आप पीछे देख रहे हो तो पहली बात ये बता दूं कि ये आप सोच रहे हो ताजमहल है, तो ये डूड ताजमहल नहीं है, यही है शिक्षा मकबरा। तो इसमें मैंने एक और व्लॉग बनाना था पर ऑनलाइन टिकट के चक्कर ये ब्लॉग नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम बहुत आ गई थी, ऑनलाइन टिकट में हो ही नहीं रही थी मेरी। तो गाइस मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि जो ये हर्ष का टीला इतना, ये देखो सॉरी शिक्षण में बना है, ये देखो एक रात में बना है यार। गाइस ये सच है कि इतना बड़ा मकबरा एक रात में बना है, दिमाग हिलाने वाली बात है यार। बट यार सच है, अगर आपको वैसे यकीन नहीं होता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। ओके तो गाइस इस टाइम हम आगे जाके देखेंगे कि और क्या क्या अमेजिंग जगह, क्योंकि ना जो ऐसी ऐसी जगह है कि आपको सोचने में मजबूर कर सकती है कि वो यार ये क्या चीज़ है, यार ये क्या चीज़ है। डूड अगर ओपी जिंदर वाला व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो ब्रो। एक मिनट रुक यार, एक मिनट। वैसे बहुत सारी जेल देख सकते हो। ओके ये और के साथ है बहुत सारे कमरे भी। ओके तो डूड इन कमरों में ना एक समझ नहीं आता कि ऐसे कमरों में ये कौन सी पैड़ियाँ हैं, ये किस चीज़ के लिए पैड़ी होगी, स्पाइडरमैन पोज करने के लिए, खड्डा करने के लिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ओके तो गाइस ये उस समय की सीढ़ियाँ और हम जाएंगे टिल्ले के ऊपर। चल खत्म कर इसको, हम नीचे जाएंगे यहाँ पर। और जो आप उस तरफ देख रहे हो वो सुरंग का रास्ता है, तो जो मैं सुरंग के बारे में बताऊंगा तो वो सोचने वाली बात है कि आप तो ये कहोगे कि यार ये तो पागल है, कैसे क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है। सो गाइस वहाँ जाके देखते हैं उस सुरंग को। यो पर हर्षवर्धन के मरने के बाद कई राजाओं ने शासक करा, तो देख सकते हो यार जब लास्ट शासक जिसने मुगलों ने करा था तो यहाँ पर जो काम चल रहा था उनका कि और चीज़ें बनाई जाए पर वो आधा अधूरा रह ही गया। तो देख सकते हो यार कितना कंफ्यूज करने वाला प्लेस है यार, यहाँ पर मतलब समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, क्या शेप है क्या नहीं, कि वो बाथरूम है क्या नहीं, कि कमरा है क्या नहीं, समझ नहीं आता। तो डूड ये उस समय का कुआं है जो देख सकते हो यार, जो अब बंद हो चुका है। तो ये देखो देख सकते हो मैं अब जो बंद हो चुका है। तो आगे देखते हैं यार। ओके तो गाइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सुरंग के बारे में बताया था, तो वो ये सुरंग नहीं है, वो आगे जाके मिलेगी। तो उस सुरंग का नाम है दिल्ली की सुरंग। तो दिल्ली की सुरंग इसलिए उसको नाम दिया गया है क्योंकि हमारे कुशेत्र से दिल्ली जाने का रास्ता उस सुरंग से 1 घंटे का पड़ता है। अगर वैसे आप ट्रैवल वगैरह करते हो ट्रेन या बस से तो वो 4 घंटे का रास्ता लेती है। और दूसरी बात ये है कि हर्ष का टीला बंद होने वाला 5-6 बजे तक, वो इसलिए बंद होने वाला है कि यहाँ पर
आत्माएं वगैरह घूमती रहती है। तो गाइज ये सच्चाई जुड़ी मेरे को नहीं पता, बट हम 5-6 बजे तक यहाँ रहेंगे यार और देखेंगे कि आत्मा वगैरह है या नहीं। तो गाइज देखते हैं आगे जाके। ये दो रास्ते हैं देखो, एक ऊपर जाने का, ये कि मतलब ऐसे नॉर्मल निकल सकते हैं हम। ये छोटी सी जो चीज़ बना रखी है ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है क्या नहीं, तो हम जाके देखेंगे यार। ओके तो कई सिस्टम हम खड़े हैं यहाँ पर जो जगह का नाम नहीं है, तो आप ये देख सकते हो ये है पीछे दिल्ली वाली सुरंग, देख सकते हो। देखो ये तो हम ऊपर जाके अच्छा ये है वो दिल्ली की सुरंग जो अब मेरे हिसाब से बंद हो चुकी है, नहीं खुलेगी, नहीं खुल रही यार डूड। ओके सो हम नीचे आते हैं यार। ओके गाइस इस टाइम हम पार्क आए पड़े हैं और वेट करेंगे 6-7 बजे तक का, तो हम तब जाएंगे आत्मा देखने। बैक साइड आ चुके हैं हर्ष के टेले के, तो मेरी एक्टिवा बाहर खड़ी है, मैंने इधर रख दिया क्योंकि साइड में रख दिया। अभी भी दरवाज़ा खुला पड़ा है, ये वैसे खुला होता है अब बंद हो जाएगा। तो हम जा तो रहे हैं पर आने का देखेंगे क्या क्या नहीं। हम यहाँ पहली वाली जगह आए जहाँ पर कुछ दिखा गया आत्मा वगैरह, तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी उधर गया हुआ है, तो हम वहाँ के जाके देखते हैं। अच्छा ये दो घर दिख रहे हैं आपको यार, वो किस चीज़ के बारे में तो मेरे को नहीं पता ना इसका नाम। चलो अच्छा आ जाओ सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा। तो वैसे देख सकते हो यार वैसे ना शाम के टाइम ज़्यादा ड्रामा लगता है। अब ये समझ तो नहीं आ रहा ये ईंटों का पजल है पजल का ईंटा हमारे को समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो हम जहाँ आए ना समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ दूसरी बार निपटा जाएगा। हम अब दूसरी साइड जाएंगे क्योंकि ना अभी सिक्योरिटी गार्ड मेरे को लगता है इधर से गया है, तो हम इस दूसरी साइड जाएंगे अभी कोई आएगा नहीं। तो यार रिक्स का काम है बहुत ज़्यादा, यहाँ सब खाली हो चुका है, सब जा चुके हैं, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं यार। तो गाइस ये देख सकते हो यार कितना ड्रामा नजर आ रहा है यार। सिस्टम हम यहाँ आ चुके हैं तो हम ऊपर चढ़ेंगे देखते हैं यार। तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको ड्रामने वाली, तो देख सकते हो यार कितना गहरा कुआं है यहाँ पर, तो हम ऊपर चढ़ेंगे अब। तो गाइस इस टाइम हम अंदर जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड उधर गया और इस तरफ से चलेगा। तो यहाँ ड्रामनी ड्रामनी जगह तो है ही है यार, क्योंकि यार कहते हैं कि जब ये एक रात में बना था तो आत्माओं ने बनाया था, पक्का नहीं पता यार मेरे को भी नहीं पता। तो आगे जाके देखते हैं यार, बहुत रिक्स है, डर भी लग रहा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को इस टाइम। यार मेरे को यहाँ से आवाज़ आई है यार, देख चमचम की आवाज़ आ रही है, चमचम की आवाज़ आ रही है। यार और नहीं रहना यार, कितना डर लग रहा है। चल 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 बाकी चल क्या
ओफोस यार, देख यार, यहाँ से ना इतनी अभी छमछम की आवाज़ आ रही थी, और जैसे हमने अभी हम देखा, हम थोड़ा सा वॉच कर रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं आ रही। और वैसे भी यार ये एक अकेली चीज़ है, पता क्या है क्या नहीं, और ऊपर तो वो भी ड्राउन होएगा यार। चला शिबू चलते हैं यार, जो सिक्योरिटी गार्ड भी पकड़ रहा ऊपर से, ऐसा डर भी लग रहा। चल चल यार, बोल तो ले कुछ। कितना गंदा चमगादड़ था यार, डरा दिया। और देख कितना अंधेरा यार, देख देख जल्दी दिखा।